नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर प्योर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर का यह यूट्यूब चैनल। हम क्लास 12 की ग्रामर की बात कर रहे थे और ग्रामर में पहला चैप्टर चल रहा था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हमने पहले विज्ञापन क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले भाग में किए थे। और फिर हमने इसका जो दूसरा भाग किया था, दूसरे भाग में हमने वैवाहिक विज्ञापन या मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट क्या है उसके बारे में लिखा था और उसके एक एग्जांपल पे छोड़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं भाग तीसरे में। आपके ऊपर देखिए, यहाँ पर ये चल रहे थे मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, वैवाहिक विज्ञापन, इसके बारे में बता चुका था, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं मैं। ये विज्ञापन वर या वधु की तलाश के लिए लिखे जाते हैं, अर्थात ये शादी के लिए होते हैं विज्ञापन और उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। अब देखा होगा रविवार अखबारों में मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट खूब आते हैं, वधु की तलाश, वर की तलाश। यहां ये विज्ञापन अपने एक निश्चित प्रारूप में होते हैं, निश्चित बॉक्स में होते हैं। इसकी हेडिंग में या तो सूटेबल मैच लिखा जाता है या अलायंस लिखा जाता है या मैच अलायंस लिखा जाता है, या हेडिंग कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये विज्ञापन फिर जिसके लिए दिया जाता है उसके बारे में लिखा जाता है, ये हम चर्चा कर चुके थे। ये भी बता चुका था हमें कि सबसे ऊपर हम जिसका विज्ञापन, जिसके लिए विज्ञापन दे रहे हैं उसकी योग्यता के बारे में तो बता देंगे, उसकी अचीवमेंट या उपलब्धियों के बारे में बता देंगे, उसका फिजिकल स्टेटस कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, एज है, उसकी हाइट है, उसका कॉम्प्लेक्स है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल उसमें उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसकी ईयरली इनकम कितनी है, ये सारा दे देंगे। उसके बाद उसकी हॉबीज है और उसकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, ये सारा हम उसका देंगे जिसके लिए विज्ञापन दे रहे हैं। यदि आप लड़की का विज्ञापन दे रहे हैं तो लड़की के बारे में सारी बता देंगे। फिर यहां देखेंगे सामने वाला पक्ष, वर या वधु जो के सामने वांछित उसकी शारीरिक या उसकी आर्थिक रुचियां पसंद या आते, ये आ जाएगा। उसके बाद हम उसकी जाति, वर्ग, कास्ट के बारे में लिख देंगे। फिर उसका कॉन्टेक्ट दे देंगे, मोबाइल एड्रेस या फिर उसका ईमेल एड्रेस, ये सारा लिख देंगे। इस प्रकार से हमने करके एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था एक पंजाबी लड़के के लिए उपयुक्त लड़की की तलाश के लिए। इसमें मैंने बताया था लड़के के बारे में हमने पहले पूरी जानकारी दे दी थी और उसके बाद में हमने उसके लिए कैसी लड़की चाहिए उसके बारे में बता दिया था। यह हम पिछले पार्ट टू में कर चुके थे, आज एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहां पर आज विज्ञापन का दूसरा प्रकार है। हमने पहले किए थे मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट या वैवाहिक विज्ञापन, आज हम करने जा रहे हैं एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षिक विज्ञापन। ध्यान से समझे शैक्षिक विज्ञापन क्या है, उसको लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले देखिए एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का अर्थ, सबसे पहले देखें किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, प्रतिभागियों, आवेदनकर्ताओं या संस्थान द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम की जानकारी देने हेतु जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसे एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। यहां ध्यान ये रखने वाला है कि यह किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा दिए जाते हैं। ये विज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है उसे हम विशेष तौर से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप यहां पर कि ऊपर हेडिंग आ जाएगा, हेडिंग उस टॉपिक का लिखेंगे और ये टॉपिक के आधार पर हेडिंग बदल जाएगा। जैसा टॉपिक है या जैसा संस्था का नाम है, अब कोई स्कूल दे रही है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन दे रहा है या अन्य कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है या इंस्टीट्यूशन दे रहा है, उसका हेडिंग सबसे पहले ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखिए संस्था का नाम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिर नेम ऑफ कोर्स, पाठ्यक्रम का नाम लिख देंगे, कौन सी संस्था है, किस पाठ्यक्रम के लिए विज्ञापन दे रही है, फिर पाठ्यक्रम की अवधि, कोर्स ड्यूरेशन,
फिर उस पाठ्यक्रम के लिए क्या योग्यता है, इलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए, वो लिख देंगे। फिर कोर्स फीस क्या है, कोर्स फीस के बारे में देंगे। फिर फीस जमा करने की विधि क्या है, मोड ऑफ फीस या मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में आप ये बता देंगे कि मासिक फीस ली जाएगी, त्रैमासिक ली जाएगी, छह मासिक ली जाएगी, या ईयरली ली जाएगी, या कोर्स फीस होगी, वो जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो हम डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए आवेदन करने का तरीका, आवेदन कैसे किया जा रहा है, किसी वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा है, ऑनलाइन आवेदन है या ऑफलाइन आवेदन है, आवेदन कहाँ जमा कराने हैं, उसके बारे में सारा आ जाएगा। फिर लास्ट में आ जाएगा कॉन्टैक्ट और टाइम। जो भी इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन का जो भी विज्ञापन आता है वह ये बता देगा कि यह विज्ञापन देने के लिए या इसके लिए प्रतिभागी कहाँ संपर्क करे, उसके बारे में यहाँ स्पष्ट आ जाएगा। ये देखा जाए तो शॉर्ट में बता दूं कि यह शैक्षिक विज्ञापन है, शैक्षिक विज्ञापनों जो शैक्षिक संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, यहाँ देखिए आप अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल पहला है, एक बार एग्जाम्पल करा दूंगा, दो एग्जाम्पल करा दूंगा, उसके साथ ही शैक्षिक विज्ञापन पूरे हो जाएंगे। यू आर रवि शर्मा, आप रवि शर्मा है, डायरेक्टर एलिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन जोधपुर, आप एलिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के निदेशक हैं। राइट एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट फॉर इंफॉर्मिंग अबाउट न्यू बैच ऑफ नीट एंड बैंक पीओ बाई योर कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन नीट का और बैंक पीओ की तैयारी के लिए एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहा है, उसकी सूचना देनी है आपको। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले विज्ञापन देने वाली संस्था का नाम ऊपर आ जाएगा, जैसा यहां देखिए एलन कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये आपका हेडिंग आ गया। और ये हेडिंग जैसे जैसे जैसा विज्ञापन होगा उसके अनुसार बदलता रहेगा। फिर एडमिशन फॉर फ्रेश बैच, नए बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है फॉर नीट एंड बैंक पीओ, बिगेन फ्रॉम जुलाई फर्स्ट, 1 जुलाई से बैच शुरू होने जा रहे हैं। प्रोस्पेक्ट एंड एडमिशन फॉर्म आर अवेलेबल, उसका उसकी विवरणिका और उसके प्रवेश फॉर्म जो है वो उपलब्ध है, कहां पर, सेंटर पर, 9 AM से लेकर के 5 PM तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आप देखिए यहां पर आपको ऑफलाइन फॉर्म यदि प्राप्त करना है तो ऑफलाइन फॉर्म को प्राप्त करने के लिए आप संस्थान पे 9 बजे से 5 बजे के मध्य सोमवार से शनिवार के मध्य संपर्क कर सकते हैं। फिर देखिए यहां पे आगे रखा है पेमेंट 8000 और उसका जो कोर्स फीस है वो 8000 रुपए है। उसके अलावा है डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट www.ln.com, ये वेबसाइट दी हुई है जहां पर आपको फॉर्म उपलब्ध मिलेंगे। और फिर आपको कॉन्टेक्ट दे रखा है रवि शर्मा, डायरेक्टर एलन कोचिंग इंस्टीट्यूशन सरदारपुरा जोधपुर, और फिर मोबाइल नंबर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी इंस्टीट्यूशन विज्ञापन जारी करता है उसका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर उस कोर्स के बारे में बता देंगे, कोर्स की फीस के बारे में बता देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से उपलब्ध होंगे, कहाँ जमा कराने पड़ेंगे, फीस के बारे में बता देंगे। एक और लास्ट एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। एग्जाम्पल दो देखिए, इसे योगा क्लास के लिए, ये रिसेंटली यू हैव स्टार्ट योगा क्लासेस, हाल ही में आपने योगा क्लास प्रारंभ की है फॉर वुमेन, केवल महिलाओं के लिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल, यहां पब्लिकेशन के लिए दे रहे हैं, आप अखबारों में प्रकाशन के लिए विज्ञापन दे रहे हैं योगा क्लास के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग आ गया योगा क्लास। मैंने कहा था कि आवश्यकता अनुसार इसके हेडिंग को बदला जा सकता है, यदि कोई इंस्टीट्यूशन ये दे रहा हो, इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिख सकते थे, फिर योगा क्लास दे सकते थे। जैसे बाय द वे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो योगा क्लास को प्रारंभ कर रहा है, इंस्टीट्यूशन का नाम भी ऊपर दिया जा सकता था। योगा क्लास आ गया, योगा क्लास फॉर वुमेन हैव बीन स्टार्ट,
वुमेन के लिए एक योगा क्लास प्रारंभ की जा रही है। अब कहां दिया हुआ है? उसके दिया रामनिवास हॉल, उसका योगा क्लास कहां होगी उसका हिस्सा दे दिया। योगा एक्सरसाइज आर टॉट प्रैक्टिसली बाय द एक्सपर्ट, और योगा क्लास की प्रैक्टिस जो करवाई जाएगी वो एक उनके योगा एक्सपर्ट द्वारा करवाई जाएगी। सम टाइम फॉर मेडिटेशन, और इसके साथ साथ ध्यान योग का अभ्यास भी करवाया जाएगा। आसो गिवन टाइमिंग, वो योगा क्लास का समय क्या रहेगा? 6 से लेकर के 7:30 बजे तक सुबह। कॉन्टेक्ट दिया हुआ मिताली जैन, डायरेक्टर योगा क्लास, पुष्कर, राजस्थान। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ योगा क्लास के ऊपर आप योगा क्लास पुष्कर भी देख सकते थे, तो आपके स्टूडेंट्स का नाम है वो ऊपर लिख सकते थे, और उसके बाद में ये योगा क्लास के बारे में। तो मैंने बताया कि ऐसे विज्ञापन जो होते हैं, यह विज्ञापन किसी संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं और ये किसी पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं। हमने एडवर्टीजमेंट के दूसरे पार्ट में यह देखा कि विज्ञापन क्या है और मैट्रिमोनियल विज्ञापन के बाद एजुकेशनल विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं, एजुकेशनल विज्ञापन लिखने के लिए कौन कौन से डिटेल चाहिए वो बता दी थी मैंने आपको, और फिर एक दो एग्जांपल करवा के मैंने बता दिया कि किस प्रकार से एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का करा दिया, एक योगा क्लासेस का करवा दिया। अब हम अगली क्लास में, इसकी चौथी क्लास में, और अगला जो प्रकार है इसका उस प्रकार को करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।